नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए सर्विस रूल्स पर आधारित क्वेश्चन सीरीज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज पार्ट 4 हम करने वाले हैं। और आपको मालूम है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में हम जितने भी सर्विस रूल्स हैं, यानी कि सेवा नियमावली के सारे क्वेश्चन ला रहे हैं। तो सर्विस रूल्स बुक में आज हम करेंगे MCQs on Travelling Allowance Rules 2017, यानी कि 7 CPC है, उसमें Travelling Allowance Rules हैं या जितने भी अलाउंस हैं वो लागू किए गए थे 2017 से और कब से शुरू किए गए थे, ये भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों देख लेते हैं सेवा नियमावली पर आधारित क्वेश्चन सीरीज Travelling Allowance Rules 2017 पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन 61. What does pay refer to in determining TADA entitlement? TADA पात्रता निर्धारित करने के लिए वेतन में क्या शामिल होगा? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे बेसिक पे ड्रॉन इन द पे लेवल इन द पे मैट्रिक्स, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस NPA, मिलिट्री सर्विस पे MSP, स्पेशल पे। तो TADA पात्रता निर्धारित करने के लिए वेतन किसको बोलेंगे, वेतन में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, बेसिक पे ड्रॉन इन द पे लेवल इन द पे मैट्रिक्स। 7 CPC के पे मैट्रिक्स में जो पे लेवल होगा उसके अनुसार उसको क्या माना जाएगा, वेतन माना जाएगा। और वेतन में फिर निर्धारित किया जाएगा कि कितना DA मिलेगा, कितना TA मिलेगा, ये एंटाइटलमेंट निर्धारित किया जाएगा। तो पे लेवल के आधार पर किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, बेसिक पे ड्रॉन इन द पे लेवल इन द पे मैट्रिक्स। अगला सवाल देख लेते हैं 62. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन पे फॉर डिटरमाइनिंग TADA एंटाइटलमेंट। TADA पात्रता निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या वेतन में शामिल नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। TADA के लिए क्या वेतन श्रेणी मानी जाएगी, क्या बेसिक पे होगा, कौन सा पे लेवल होगा, क्या पे मैट्रिक्स है, ये सभी चीजों को ध्यान में रखा जाता है TADA एंटाइटलमेंट के लिए। तो TADA एंटाइटलमेंट में पे में कौन कौन सी चीजें शामिल होती है, कौन सी नहीं होती है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि जो बेसिक पे होगा पे लेवल में उसके अनुसार TADA एंटाइटलमेंट के लिए पे माना जाता है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि TADA पात्रता निर्धारित करने के लिए वेतन में कौन सी चीज शामिल नहीं होगी। ऑप्शन देख लेते हैं नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस NPA, मिलिट्री सर्विस पे MSP, स्पेशल पे, डियरनेस अलाउंस DA, नन ऑफ दी अबो। सही उत्तर हमारा क्या होना चाहिए ई हो जाएगा, नन ऑफ दी अबो। कोई भी TADA की पात्रता निर्धारित करने के लिए इनमें पे है वो नहीं माना जाएगा, इनको पे में शामिल नहीं किया जाएगा, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस को भी नहीं किया जाएगा, मिलिट्री सर्विस पे अगर कोई है तो MSP को भी शामिल नहीं किया जाएगा, स्पेशल पे कोई मिल रहा है तो वो भी शामिल नहीं किया जाएगा, और डियरनेस अलाउंस है वो नहीं किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि NP है, MSP है, या स्पेशल पे है, या DA, इनमें से कोई चीज को पे में शामिल नहीं किया जाएगा। आप इसको बोल सकते हैं NPA को शामिल नहीं किया जाएगा, MSP कोई है तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा, स्पेशल पे है तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा, साथ में DA उस पर मिल रहा है, बेसिक पे पर DA मिल रहा है, ये भी शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये सब चीजों को शामिल नहीं किया जाएगा, वेतन में नहीं माना जाएगा। वेतन में क्या माना जाएगा, जो बेसिक पे है उसको शामिल किया जाएगा, पे लेवल की जो बेसिक पे है, यहाँ पर आप लेवल देख सकते हैं, पे लेवल की बेसिक पे है उसको शामिल किया जाएगा। इसके अनुसार बेसिक पे के अनुसार क्या माना जाएगा, TADA की एंटाइटल मानी जाएगी, निर्धारित की जाएगी। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ई हो जाएगा, नन ऑफ दी अबो। क्वेश्चन देख लेते हैं 63. इफ द रिवाइज्ड एंटाइटलमेंट्स रिजल्ट इन ए लोअरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग एंटाइटलमेंट्स इन द 7th पे कमीशन, व्हाट विल हैपन टू द मोड ऑफ ट्रेवल एंड क्लास ऑफ अकोमोडेशन। यदि संशोधित पात्रताओं के परिणाम स्वरूप 7वें वेतन आयोग में मौजूदा पात्रताएं कम हो जाती हैं तो यात्रा के तरीके और आवास की श्रेणी का क्या होगा। क्वेश्चन में बताया गया है कि 7 CPC के इम्प्लीमेंट होने के बाद में कोई वेतन में बदलाव आ जाते हैं या पात्रताओं में कमी हो जाती है तो उसके लिए कौन से तरीके से TADA का निर्धारण किया जाएगा, मोड ऑफ ट्रेवल क्या होगा, कौन सी क्लास में वो यात्रा कर सकते हैं, उसका निर्धारण कैसे किया जाएगा। अगर पे फिक्सेशन के समय पात्रताएं कम हो जाती हैं
तो उसका मोड ऑफ ट्रेवल है, वो कौन से ट्रेवल से यात्रा करेगा, एयर से करेगा या ट्रेन से करेगा, कौन सी क्लास में करेगा, उसकी पात्रताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन देख लेते हैं, दे विल बी लवर्ड अकॉर्डिंगली, दे विल रिमेन द सेम, दे विल बी डिटरमाइंड बाय द एम्प्लॉई, दे विल बी डिसाइडेड बाय द हायर अथॉरिटीज। यदि संशोधित पात्रताओं के परिणाम स्वरूप सातवें वेतन आयोग में मौजूदा पात्रताएं कम हो जाती है तो यात्रा के तरीके और आवास की श्रेणी का क्या होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, दे विल रिमेन द सेम, यानी कि पहले 7CPC लागू होने से पहले कोई पात्रताएं अधिक रख रहा था और 7CPC के बाद में पात्रताएं कम हो जाती हैं तो वो कम नहीं मानी जाएंगी। वो पहले अधिक पात्रता रखता था और अब कम हो गई है तो ऐसा नहीं है कि उसको घटा दिया जाएगा, सुविधाओं में कटौती कर दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आदर्श रूल ये है कि जो पात्रताएं हैं या जो लाभ कर्मचारी को फायदा देते हैं वो लाभों को कम नहीं किया जाता है, वो सेम रहेंगे, चाहे पात्रताएं कम हो गई हैं परंतु पूर्व में जो सुविधाएं मिल रही थी उनमें कटौती नहीं की जाएगी। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा, दे विल रिमेन द सेम। क्वेश्चन देख लेते हैं 64, What will happen to the entitlements for employee in transit between two post? दो पदों के बीच पारगमन में कर्मचारियों के अधिकारों का क्या होगा, मतलब कि एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट के बीच में कोई ट्रांजिट पीरियड है तो उसमें एंटाइटलमेंट कौन सा रहेगा, एक पोस्ट से हायर पोस्ट में जा रहा है या लोअर ग्रेड से हायर ग्रेड में जा रहा है, तो बीच का जो समय होता है ट्रांजिट समय होता है उसमें उसकी पात्रताएं क्या होंगी, कौन सी श्रेणी में वो यात्रा करेगा, क्या सुविधाएं उसको मिलेंगी, पहले के अनुसार मिलेंगी या बाद वाले के अनुसार मिलेंगी। ऑप्शन देख लेते हैं, दे विल बी रैंक्ड इन द हायर ऑफ द टू पोस्ट, दे विल बी रैंक्ड इन द लोअर ऑफ द टू पोस्ट, दे विल बी सस्पेंडेड, दे विल बी गवर्न्ड बाय द रिवाइज्ड एंटाइटलमेंट्स। दो पदों के बीच पारगमन में कर्मचारियों के अधिकारों का क्या होगा, ट्रांजिट पीरियड में कौन सा मिलेगा, एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट के बीच में जा रहे हैं, मान लीजिए एक पोस्ट है L1 है और वो हायर पोस्ट में जा रहा है L2 में जा रहा है, तो जो बीच का समय है वो किस आधार पर उसके एंटाइटलमेंट बनेंगे, L1 के अनुसार बनेंगे या L2 के अनुसार बनेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, दे विल बी रैंक्ड इन द लोअर ऑफ द टू पोस्ट, दो पोस्ट है यहाँ L1 है L2 है तो एंटाइटलमेंट है वो किसके अनुसार मिलेगा, L1 के अनुसार मिलेगा, क्योंकि L1 पर तो वो कार्य कर रहा है और L1 से L2 को जा रहा है तो वहाँ एंटाइटलमेंट है किसके अनुसार मिलेगा, L1 के। L2 अभी उसने ज्वाइन नहीं किया है, ट्रांजिट पीरियड है, तो जब L2 ज्वाइन कर लेगा तो उसकी एंटाइटलमेंट बढ़ जाएगी, परंतु जब वो पारगमन कर रहा है ट्रांजिट पीरियड में है तो कौन सी स्थिति में है, L1 में है, L1 में एग्जिस्टिंग है तो उसको L1 की सुविधाएं यानी कि लोअर पोस्ट है उसकी सुविधाएं मिलेंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, दे विल बी रैंक्ड इन द लोअर ऑफ द टू पोस्ट। अगला सवाल देख लेते हैं 65, फ्रॉम विच डेट द रिवाइज रूल्स ऑफ ट्रेवलिंग अलाउंस केम इन टू फोर्स, यात्रा भत्ते के संशोधित नियम किस तिथि से प्रभावी हुए। आपको पता है कि 7CPC है वो 1/1/2016 से लागू हो गए थे, 1/1/2016 से 7CPC है वो इम्प्लीमेंट हो गया था, परंतु जो अलाउंसेज हैं वो लागू हुए थे बाद में हुए थे, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस है वो भी पूछ लिए जाते हैं कि यात्रा भत्ता के जो संशोधित नियम है वो किस तिथि से प्रभावी हुए थे। 7CPC है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1/1/2016 से, परंतु भत्ते हैं वो उस तारीख से लागू नहीं हुए थे। ये भत्ते कब से शुरू हुए थे, ऑप्शन देख लेते हैं, 1 July 2017, 23 September 2008, 1 January 2017, 1 January 2016। यात्रा भत्ते के संशोधित नियम है वो किस तिथि से प्रभावी हो गए थे, भत्ते मिलना शुरू हो गए थे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, 1 July 2017, मतलब कि 1/7/2017 से भत्ते मिलना शुरू हुए थे और 1 January 2016 से 7CPC के वेतन है वो मिलना शुरू हो गए थे, परंतु जो भत्ते थे वो मिलना शुरू हुए थे 1 July 2017 से। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, 1 July 2017। साथियों, सर्विस रूल्स पर एक बिल्कुल नायाब सीरीज मैंने शुरू की है और इसको नाम दिया गया है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज।
सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज है, बहुत लंबी चलने वाली है क्योंकि सेवा नियमावली के सारे क्वेश्चंस हैं इसमें लाए जाएंगे। इससे पहले वाली सीरीज में हमने चर्चा किया था ज्वाइनिंग टाइम, ज्वाइनिंग टाइम के बाद में हमने टॉपिक शुरू किया है ट्रेवलिंग अलाउंस रूल्स जो कि 2017 से लागू हो गई थी, तो अभी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। ये सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है। अगर आपको सर्विस रूल्स के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए। देख लेते हैं अगला सवाल 66। व्हाट शुड बी एंश्योर्ड बिफोर ग्रांटिंग परमिशन टू एन एम्प्लॉय फॉर ऑफिशियल ट्रेवल? किसी कर्मचारी को आधिकारिक यात्रा की अनुमति देने से पहले क्या सुनिश्चित किया जाना चाहिए? लिबरली परमिटेड, जुडिशियली अलाउड एंड रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू एब्सोल्युटली इसेंशियल ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन ओनली फॉर पर्सनल रीजन्स। किसी कर्मचारी को आधिकारिक यात्रा की अनुमति देने से पहले कौन से रूल हैं, क्या चीज़ को निश्चित कर लेना चाहिए, सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ऑफिशियल यात्रा है वो शुरू करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कौन से मोड से करनी चाहिए, इसके लिए क्या आदर्श नियम है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, जुडिशियली अलाउड एंड रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू एब्सोल्युटली इसेंशियल ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि आधिकारिक यात्रा की उचित अनुमति देनी चाहिए और इसके साथ में ही अनुमति देने के पीछे रूल क्या होना चाहिए, एब्सोल्युटली इसेंशियल ऑफिशियल रिक्वायरमेंट कि ये आधिकारिक यात्रा है वो आवश्यक है, जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। उन परिस्थितियों में आधिकारिक यात्रा की अनुमति देनी चाहिए किसी भी कर्मचारी को। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, जुडिशियली अलाउड एंड रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू एब्सोल्युटली एसेंशियल ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स। अगला सवाल देख लेते हैं 67। हु विल इश्यू सेपरेट ऑर्डर्स फॉर आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल? सशस्त्र बल कर्मियों के लिए अलग से आदेश कौन जारी करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सशस्त्र बल के कर्मचारी हैं उनके लिए जो सेपरेट ऑर्डर है या ट्रेवलिंग अलाउंस है या दूसरे भत्ते के लिए कौन आदेश जारी करेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये सशस्त्र बल के कर्मचारी होते हैं तो उनके द्वारा ये आदेश हैं वो जारी किए जाएंगे। जो जनरल ऑर्डर्स होते हैं उनके तहत सशस्त्र बल के कर्मी नहीं आते हैं तो उनके आदेश हैं वो कौन जारी करेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो जारी करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 68। व्हाट इज द मैक्सिमम रिम्बर्समेंट फॉर होटल अकोमोडेशन ऑब्लिक गेस्ट हाउस पर डे फॉर पे लेवल 14 एंड अबव? वेतन स्तर 14 और उससे ऊपर के लिए प्रतिदिन होटल आवास या गेस्ट हाउस के लिए अधिकतम प्रतिपूर्ति क्या है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो निश्चित रूप से पूछे जाते हैं कि होटल अकोमोडेशन या गेस्ट हाउस के लिए पे लेवल 14 और उससे ऊपर के लिए क्या एंटाइटलमेंट होगा? 7,500, 4,500, 1,200, 1,000। वेतन स्तर 14 या उससे ऊपर के कर्मचारी हैं उनके लिए प्रतिदिन होटल या गेस्ट हाउस के लिए अधिकतम प्रतिपूर्ति कितनी होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, 7,500, यानी कि 7,500 रुपये है वो प्रतिदिन मिलेंगे। प्रतिदिन उसका होटल का चार्ज है उसको मिल जाएगा, प्रतिदिन के हिसाब से उसको मिल जाएगा, पर डे उसका एंटाइटलमेंट है कितना बन जाएगा? 7,500 रुपये बन जाएगा। लेवल 14 और उससे ऊपर का अधिकारी है उसके लिए 7,500 रुपये प्रतिदिन होटल आवास या होटल अकोमोडेशन या गेस्ट हाउस के लिए उसकी एंटाइटलमेंट है वो होती है, हकदार होता है, पात्रता होती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 69। व्हाट इज द मैक्सिमम रिम्बर्समेंट फॉर एसी टैक्सी चार्जेस पर डे फॉर पे लेवल 14 एंड अबव? वेतन स्तर 14 और उससे ऊपर के लिए प्रतिदिन एसी टैक्सी शुल्क की अधिकतम प्रतिपूर्ति क्या है? यहाँ पर होटल अकोमोडेशन है वो तो 7,500 रुपये पर डे है, 14 और उससे अधिक के कर्मचारी हैं तो, और उनके लिए एसी टैक्सी की पात्रता कितनी होगी, क्या उनके एंटाइटलमेंट होंगे? ऑप्शन देख लेते हैं, 7,500, 4,500, एक्चुअल एक्सपेंडिचर 1,000। वेतन स्तर 14 और उससे ऊपर के प्रतिदिन एसी टैक्सी शुल्क है वो कितना मिलेगा जो वेतन स्तर 14 और ऊपर वाले हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर। आपको ध्यान रखना है कि एसी टैक्सी उनको मिलेगी,
एसी टैक्सी के लिए वो एंटाइटल्ड होंगे, एसी टैक्सी उनको मिल जाएगी। और ये एसी टैक्सी है, एक्चुअल जितना एक्सपेंडिचर होगा वो एसी टैक्सी से यात्रा कर सकते हैं, कोई लिमिट निर्धारित नहीं की है। परंतु म्यूनिसिपलिटी या मेट्रोपॉलिटन सिटी या सिटी के जो एरिया है दायरे में, वो एसी टैक्सी का यूज कर सकते हैं। जितना भी खर्चा होगा वो सभी मिलेगा। वेतन लेवल 14 और उससे ऊपर वालों के लिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 70। व्हाट इज द मैक्सिमम रिइंबर्समेंट फॉर फूड बिल्स पर डे फॉर पे लेवल 14 एंड अबव। वेतन स्तर 14 और उससे ऊपर के लिए प्रतिदिन भोजन बिलों की अधिकतम प्रतिपूर्ति क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, वो पुरानी परीक्षा में पूछे गए थे और आगामी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। यहाँ बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके लिए, सर्विस रूल्स में लाए जा रहे हैं। 7500, 4500, 1200, 1000। वेतन स्तर 14 और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए प्रतिदिन भोजन बिलों का भुगतान है, वो किस प्रकार से किया जाएगा, कितने रुपए तक किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1200। यानी कि 1200 रुपये उनको प्रतिदिन भोजन बिल मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि होटल बिल है वो कितने मिलेंगे, 7500 रुपये होटल का चार्ज मिल जाएगा। इसके साथ में ही एसी टैक्सी है, जितना वो यूज करते हैं, एक्चुअल एक्सपेंडिचर करते हैं, वो मिल जाएगा, एसी टैक्सी मिल जाएगा। साथ में भोजन बिल है वो कितने मिल जाएंगे, 1200 रुपये प्रतिदिन मिल जाएंगे। तो 7500 रुपये का होटल अकोमोडेशन या गेस्ट हाउस मिल सकता है, 1200 रुपये का उनका भोजन का चार्जेज मिल जाएंगे, और एसी टैक्सी एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो मिल जाएगा। तो बहुत बड़े एंटाइटलमेंट है उनको मिल जाएंगे। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, सी हो जाएगा। साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। आप सारे बवंडर प्लान के वीडियो देखिए और अपनी सफलता को निश्चित करिए। आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर करिए। देख लेते नया सवाल 71। हु इज एंटाइटल्ड टू ज्वाइनिंग टाइम आफ्टर कंप्लीटिंग देयर फुल टेन्योर एंड बीइंग पोस्टेड टू देयर स्टेशन ऑफ चॉइस। अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा करने और अपनी पसंद के स्टेशन पर तैनात होने के बाद ज्वाइनिंग टाइम का हकदार कौन है। ज्वाइनिंग टाइम है, इससे पहले 3 सीरीज में हम चर्चा कर चुके हैं, तो ये एक बचा हुआ क्वेश्चन है, वो भी ले आया मैं आपके लिए। फिक्स टेन्योर पूरा करने के बाद में, अपनी चॉइस के स्टेशन पर तैनात होने के बाद में ज्वाइनिंग टाइम का हकदार कौन होंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। ओनली दोज सर्विंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ओनली दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर फुल टेन्योर, ओनली दोज हु आर पोस्टेड टू देयर स्टेशन ऑफ चॉइस आफ्टर टेन्योर, और डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल एम्प्लॉइज। अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा करने और अपनी पसंद के स्टेशन पर तैनात होने के बाद ज्वाइनिंग टाइम का हकदार कौन होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल एम्प्लॉइज सभी होंगे। जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अपना टेन्योर कंप्लीट करके आए हैं उनको भी ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, और साथ में हु हैव कंप्लीटेड देयर टेन्योर, जो भी टेन्योर निर्धारित किया है वो टेन्योर कंप्लीट कर लिया है उनको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। दोज हु आर पोस्टेड टू देयर स्टेशन ऑफ चॉइस आफ्टर टेन्योर, टेन्योर कंप्लीट करने के बाद में चॉइस से आए तो भी आपको क्या मिलेगा, ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। तो सभी एम्प्लॉई क्या हो जाएंगे, एंटाइटल्ड होंगे ज्वाइनिंग टाइम के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल एम्प्लॉइज। क्वेश्चन देख लेते 72। व्हाट इज द मैक्सिमम रिइंबर्समेंट फॉर होटल अकोमोडेशन ऑब्लिक गेस्ट हाउस पर डे फॉर पे लेवल 12 एंड 13। पे लेवल 14 और उससे ऊपर वाले के लिए एंटाइटलमेंट हम देख चुके हैं। अभी 12 और 13 के वेतन स्तर के अधिकारी हैं, उनके लिए प्रतिदिन होटल आवास और गेस्ट हाउस के लिए अधिकतम प्रतिपूर्ति है कितने रुपये तक की होगी। ऑप्शन देख लेते हैं, 7500, 4500, 1200 और 1000। वेतन स्तर 12-13 के अधिकारियों के लिए प्रतिदिन होटल या गेस्ट हाउस के एंटाइटलमेंट है कितनी प्रतिपूर्ति होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा, 4500, 4500 रुपये पर डे उनको मिलेगा। वेतन लेवल 14 और उससे ज्यादा के लिए 7500 रुपये था, परंतु पे लेवल 12 और 13 के लिए ध्यान रखना है, 12 और 13 के लिए कितना है, 4500 रुपये पर डे है। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, 4500 रुपये। अगला सवाल देख लेते 73।
What is the maximum reimbursement for AC taxi charges per day for pay level 12 and 13? वेतन स्तर 12 और 13 के लिए प्रतिदिन एसी टैक्सी शुल्क की अधिकतम प्रतिपूर्ति क्या है? Up to 50 किलोमीटर पर डे फॉर ट्रेवल विद इन द सिटी ₹338, ₹800, ₹1000। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि एसी टैक्सी है लेवल 14 और उससे ऊपर वाले के लिए जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो सब मिल जाएगा, परंतु यहाँ पर क्या बताया गया है, क्या इसका निर्धारण किया गया है? सही उत्तर ही हो जाएगा, ए हो जाएगा, अप टू 50 किलोमीटर पर डे फॉर ट्रेवल विद इन द सिटी। यहाँ बताया गया है कि 50 किलोमीटर तक की आप एसी टैक्सी यूज कर सकते हैं, परंतु उसकी लिमिट क्या होगी? 50 किलोमीटर होगी, उस सिटी के 50 किलोमीटर तक आप एसी टैक्सी ले सकते हैं। लेवल 12 और 13 वाले कर्मचारी है, अधिकारी है, वो 50 किलोमीटर तक एसी टैक्सी है वो यूज कर सकते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि लेवल 14 और उससे ऊपर वालों के लिए एक्चुअल एक्सपेंडिचर एसी टैक्सी का था, परंतु यहाँ रेस्ट्रिक्शन आ गया है कि 50 किलोमीटर तक का उस सिटी में आप यात्रा कर सकते हैं, एसी टैक्सी में यात्रा कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 74। What is the maximum reimbursement for food bills per day for employees in pay level 12 and 13? वेतन स्तर 12 और 13 में कर्मचारियों के लिए प्रतिदिन भोजन बिल की अधिकतम प्रतिपूर्ति क्या है? ₹1200, ₹1000, ₹900, ₹800। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, ₹1000। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, लेवल 14 और उससे ऊपर। यहाँ पर मैं ये टेबल बना के आपको बता दूंगा, यहाँ देख लेते 12 और 13 के लिए बता दिया है, लेवल 14 और उससे ऊपर के लिए होटल बिल है वो कितना मिल रहा था, ₹7500 मिल रहा था, और 12-13 के लिए कितना मिल रहा है, ₹4500 मिल रहा है। एसी टैक्सी है वो एक्चुअल, जो एसी टैक्सी है एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो एसी टैक्सी का मिल जाएगा, और यहाँ लिमिट बता दी है कि 50 किलोमीटर तक आप एसी टैक्सी यूज कर सकते हैं उस सिटी के अंदर। और इसके बाद में फूड बिल है वो लेवल 14 और अबाव के लिए कितना है, यहाँ देखिए आप ₹1200 है, परंतु ये 12 और 13 के लिए कितना कर दिया है, वो 1000 कर दिया है, ₹1000 पर डे आपको क्या मिल जाएगा, फूड बिल है वो रिम्बर्समेंट हो जाएंगे। सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। नया सवाल देख लेते हैं 75। व्हाट इज द मैक्सिमम रिइंबर्समेंट फॉर होटल अकोमोडेशन गेस्ट हाउस पर डे फॉर एम्प्लॉइज इन पे लेवल 9 to 11? वेतन स्तर 9 से 11 के कर्मचारियों के लिए प्रतिदिन होटल आवास या गेस्ट हाउस के लिए अधिकतम प्रतिपूर्ति क्या है? ₹2250, ₹1200, ₹750, ₹450। तो यहाँ पे लेवल है वो बदल रहे हैं और कंडीशंस हैं वो बदल रही हैं, एंटाइटलमेंट है वो रिम्बर्समेंट है वो भी बदल रहे हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ₹2250। होटल अकोमोडेशन है वो ₹2250 हो गया, ₹2250 आपको ध्यान रखना है। 9 से और 11 लेवल के जो कर्मचारी है, पे लेवल कितना होना चाहिए, 9 से 11 के लिए ₹2250 है वो पर डे मिलेगा, ये होटल अकोमोडेशन या गेस्ट हाउस के लिए मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए और लाइक बटन भी दबा दीजिए। नया सवाल देख लेते 76। व्हाट इज द मैक्सिमम रिइंबर्समेंट फॉर नॉन एसी टैक्सी चार्जेस पर डे फॉर पे लेवल इन पे मैट्रिक्स 9 to 11? पे मैट्रिक्स में वेतन स्तर 9 से 11 के लिए प्रतिदिन गैर एसी टैक्सी शुल्क की अधिकतम प्रतिपूर्ति क्या है? ₹338, ₹225, ₹113, ₹500। तो पे लेवल है, यहाँ पर आप कंडीशन देखिए, गैर एसी टैक्सी आ गया, नॉन एसी टैक्सी आ गया, पे लेवल 12 और 13 के लिए एसी टैक्सी था परंतु 50 किलोमीटर लिमिट थी, और 14 और उससे ऊपर के लिए एसी टैक्सी है, एक्चुअल फेयर है वो लगेगा, परंतु यहाँ कंडीशन बता दी गई है कि नॉन एसी टैक्सी आप यूज करेंगे, एसी टैक्सी यूज नहीं करेंगे, तो उसके लिए कितने रुपए तक का नॉन एसी टैक्सी का आपको बिल है मिल जाएगा, भत्ते मिल जाएंगे। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ए हो जाएगा, ₹338, ₹338 आपको मिल जाएंगे नॉन एसी टैक्सी के मिल जाएंगे, अगर आपका वेतन लेवल 9 से 11 के बीच में है तो नॉन एसी टैक्सी आपको एंटाइटलमेंट होगी, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है।
नॉन एसी टैक्सी आप यूज कर सकते हैं। इससे ऊपर वाले में हम देख चुके हैं कि अगर 12 और 13 है तो एसी टैक्सी, परंतु 50 किलोमीटर आप जा सकते हैं उससे 14 और उससे ऊपर के लिए एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो होगा एसी टैक्सी का वो मिल जाएगा।